दोस्तों ट्रेन चल चल जल्दी चल भाग के। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और भाई आज हम जा रहे हैं हिमाचल नवानगर, मम्मी की फेवरेट जगह है, मेरे गुरुजी की जगह। हाँ तो चलते हैं और रेडी हो गए हैं। टाइम हो गया है 5:30 और हमारी 6:15 की ट्रेन है, तो निकलते हैं। चलो बाय दीदी, बाय बाय, ध्यान रखिएगा, शैतानी मत करना बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए पापे नमस्ते नमस्ते, चलिए चलते हैं। मोक्ष आजा। तो भाई घर से निकल गए हैं, पीछे आ रहे हैं मम्मा और मोक्ष और आगे चल रहा हूँ मैं। देखते हैं अगर यहीं से ऑटो मिल गया तो ले लेंगे, नहीं तो हमें थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आपसे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। फाइनली गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आ गए हैं और हमारी ट्रेन भी लग गई है। और भाई 6:10 हो रहे हैं और 6:10 पे ही हमारी ट्रेन चलनी है, वो तो शुक्र है, 1-2 मिनट लेट है वरना ट्रेन छूट जाती। तो बुआ जी भी आ गई हैं और हम भी रेडी हैं, जैसे ही ट्रेन चलेगी बैठ जाएंगे अंदर। तो फाइनली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतर गए हैं और अब जा रहे हैं हम अपनी दूसरी ट्रेन के लिए जो नई दिल्ली से जाएगी कालका यानी हिमाचल के लिए। और ये हमारी जिसने हमें नई दिल्ली छोड़ा गाजियाबाद से, वो चली गई अपनी आगे की डेस्टिनेशन के लिए। बाय बाय। दोस्तों सुबह सुबह एक बैड न्यूज़ मिल गई यार, हमारी वीडियो पे ना कॉपीराइट आ गया। मतलब जो हम एनिमल मूवी देखने गए थे ना, तो उस वीडियो पे हमारी पूरी वीडियो पे कॉपीराइट आ गया। कुछ दिन हमारी वीडियोस आपको नहीं दिखेंगी क्योंकि 1 हफ्ता के लिए तो ब्लॉग ही कर दिया है बिल्कुल ना, लेकिन फिर भी हम रेगुलर वीडियोस बनाते रहेंगे, है ना। हार नहीं माननी चाहिए भाई, क्योंकि वक्त कभी भी पलट सकता है, तो कोशिश करते रहेंगे और देखते हैं कि आगे से हम आगे से भी कोशिश करेंगे कि कभी कॉपीराइट वगैरह ना आए, क्योंकि 3 अगर कॉपीराइट आ गए तो चैनल डेड हो जाता है। ठीक है, तो वीडियोस तो डालते रहेंगे लेकिन कॉपीराइट आ गया तो उस चीज़ का दुख है। चलो तो हमारी ट्रेन आने वाली है थोड़ी देर में और मम्मी और बुआ जी तो अपनी बातों में लग गई, इनकी तो बातें ख़त्म नहीं होती। कोई नहीं, आने वाली है थोड़ी देर में ट्रेन, फिर चल। तो दोस्तों ट्रेन में बैठ गए हैं और सीट मिल गई है और हम बैठे हैं जनरल डब्बे में ऊपर की सीट पर। मैं और मोक्ष ऊपर बैठे हैं और मम्मा और दीदी नीचे बैठी हैं, है ना। और ट्रेन भी चलने वाली है थोड़ी देर में, लेकिन ये जितनी भी मेरी वीडियोस है ना, ये सब आपको 1 हफ्ते के बाद देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि मेरे चैनल पर कॉपीराइट आ गया है। जो मैंने वो वीडियो बनाई थी ना एनिमल मूवी के ऊपर, तो भाई इस पर कॉपीराइट आ गया है। बहुत दुख हो रहा है यार, मतलब पता नहीं सकता, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे के लिए सीख मिली है। कोई ट्रेन चलने वाली है थोड़ी देर में और चलते हैं। तो दोस्तों 2 घंटे हो गए ट्रेन चले हुए और अब भूख लग रही है, तो खाना खाते हैं मैं और मोक्ष, मम्मा और बुआ जी बात करते हैं। और खाने में है आलू गाजर की सब्जी, मिर्च प्याज की चटनी और रोटी, और ये रहा मोक्ष। चलिए मिलते हैं आपसे खाने के बाद। दोस्तों खाना तो खा लिया है, अब मैं और मोक्ष पी रहे हैं चाय। मम्मी ना सब कुछ लेकर चलती हैं, खाना, चाय, गुड़, अचार, देख रहे हो माँ को कितनी चिंता होती है। चलिए चाय पीते हैं और अब मिलेंगे हम सीधा आपसे चंडीगढ़ में। तो दोस्तों खाना खा लिया, चाय पी ली, अब थोड़ी देर ना सो जाते हैं क्योंकि सुबह भाई 4 बजे के उठे हुए हैं और अब 11 बज गए हैं और हम लगभग 2 बजे तक पहुँचेंगे कालका, थोड़ी देर के लिए नींद ले लेते हैं। दोस्तों टीटी साहब आ गए और ये सबके टिकट चेक कर रहे हैं, और भाई हमारा भी टिकट चेक होगा। हाँ बुआ जी, मुझे क्या पता टिकट तो। दोस्तों अभी ना टीटी सर आए थे टिकट चेक करने, मैंने दिखाया था ना आपको, तो भाई 2 लोग ऐसे निकले जिनके पास टिकट नहीं था, तो अभी वो आगे की तरफ होने में खड़े हैं और देखो या तो अगले स्टेशन पे उतार देंगे उनको, या आपको बताइए इंडियन कल्चर में क्या होता है ना, 100-200 रुपये दे के छूट जाएंगे। ठीक है यार, क्या ही कर सकते हैं, उन्होंने टिकट नहीं लिया, उनकी भी गलती है। अब थोड़ी देर में हम चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं, फिर ट्रेन से नीचे उतर के थोड़ा सा शूट करेंगे। तो दोस्तों फाइनली चंडीगढ़ आ गए हैं और थोड़ी देर में ट्रेन भी चलने वाली है, फिर उसके बाद हम जाएंगे कालका और फिर हम जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन नवानगर पे। तो चलिए चलते हैं
और चंडीगढ़ का अभी काम चल रहा है प्लेटफॉर्म पे ना, मतलब प्लेटफॉर्म टूटे हुए हैं। ये यार डेवलपमेंट होता रहता है यहाँ पे, तोड़ के फिर और कुछ बनाते हैं, फिर कुछ अच्छा लगता तो फिर उसे तोड़ के और कुछ अच्छा बनाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, तो चलते हैं क्योंकि ट्रेन भी चलने वाली है। दोस्तों ट्रेन चल, चल जल्दी चल भाग के, पीछे पीछे पीछे। वाओ, देख रहे हो दोस्तों पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं, और ये देखो ये हमारी ट्रेन है जो टर्न ले रही है। तो फाइनली कालका स्टेशन आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नवानगर। तो दोस्तों फाइनली स्टेशन से बाहर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं कालका बस स्टैंड के लिए, फिर वहां से हम लेंगे पिंजौर के लिए, और अगर पिंजौर के लिए ऑटो वगैरह मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट वो हमें नवानगर उतार देंगे। अच्छा, दिन में तो यहाँ पर इतनी गर्मी लग रही है और सुबह को और रात में इतनी ठंड लगती है ना, तो अभी देखिए जब हम नवानगर जाएंगे ना तो रात में कोहरा और ठंड कितनी होगी ना। अभी वैसे मम्मी और बुआ जी पीछे रह गए, आ रहे हैं वो, इसलिए हम भी थोड़ी देर रुक गए और जैकेट उतार दिए, गर्मी लग रही है भाई बहुत ज़्यादा। चलो आने दो उनको भी, फिर चलते हैं बस स्टैंड के लिए। तो चलते चलते हमारी मम्मी और बुआ जी को लग जाइए भूख, तो भाई खाना खा लेने दो इनको, है ना, फिर चलते हैं। है तेल निकल गया, और ये तेल निकल गया इसमें से, तो पन्नी में ही ये, इसमें तेल ज्यादा मम्मी, चटनी में। अरे चटनी में ज्यादा पड़ेगा, मैं कह रही अच्छा। देख तो डब्बा खुलते ही क्या खुशबू आई है। अच्छा, दो ही रोटी बच रही है। हाँ, दो ही बच। मम्मी ऐसे कूड़ा नहीं फैलाते यार, गलत बात है। अरे तो ऐसे देख के कूड़ा करके ही तो फैलता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। चलो खाते हैं खाना और फिर निकलते हैं। तो फाइनली बस स्टैंड तो आ गए, लेकिन बस है 2 घंटे बाद की, तो अब देख रहे हैं कोई अगर गवर्नमेंट बस आ जाती है तो उसमें चलेंगे, है ना। 2 घंटे क्या करेंगे। दोस्तों देख रहे हो चूहों को, चला गया अंदर, और एक तो ये यहाँ ये मुंह निकाल रहा, ये रहा अरे चला गया, ये भी अंदर चला गया, अभी यहाँ से निकलेगा ये। ए ये रहा ए कित, ओ बुआ जी देखो कितना बड़ा है भाई, और देखो दोस्तों ओ भाई ऐसी जगह तो रहते हैं ये ज़्यादा। फाइनली बस में बैठ गए और चलते हैं नवानगर। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए पिंजौर, और यही बस है जो हमें नवानगर लेके जाएगी ना, नवानगर उतर जाएंगे हम, अभी इसी में बैठे रहेंगे। दोस्तों फाइनली बस से उतर गए हैं और अब थोड़ा सा पैदल चलना है नवानगर के लिए, और फिर पहुँच जाएंगे हम आश्रम। ये देखिए दोस्तों क्या व्यू है, और अभी हम जा रहे हैं ना रास्ते से, अभी नदी भी आएगी तो उसका व्यू तो और भी अच्छा है, वो भी दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यही है वो नदी जिसकी मैं बात कर रहा था, कितनी प्यारी लग रही है। तो दोस्तों फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, और आश्रम में ना वीडियो अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर हम वीडियो शूट नहीं कर सकते। जब भी हमें वीडियो शूट करना होगा हम बाहर आकर शूट करेंगे, मैं और मोक्ष। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।